रुपए की दर पर जमीन दी जाएगी। किसान की जमीन आने पर 25 साल के एग्रीमेंट पर 30,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। हर साल 6% की वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों और किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि सीएम बघेल ने कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की तर्ज पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कमेटी बनेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कई अहम फैसले लिए हैं। इस कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनसे जानेंगे। सर, काफ़ी अहम बैठक और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस ब्रीफ में बताया, छत्तीसगढ़ में आज की बैठक के सारे निर्णय माइलस्टोन साबित होने वाले हैं। सबसे बड़ा निर्णय जो हुआ है, यहाँ ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी और ट्राइबल और SC का एक ही संचालनालय हुआ करता था। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अब सबके संचालनालय को अलग करके 3 संचालनालय बनाने का निर्णय, और सभी का, एक OBC का और अनुसूचित जाति का एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो हुआ है, छत्तीसगढ़ ओलंपियाड का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी खेलों का 14 इवेंट हैं हमारे ग्राम स्तर पे। हम लोग ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, विकासखंड, जनपद और जिला स्तर के करने के बाद राज्य स्तर पे करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं, छत्तीसगढ़ के जो स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्णित किया है। छत्तीसगढ़ के लिए तीसरा क्रांतिकारी निर्णय है। छत्तीसगढ़ में हॉर्टिकल्चर की फसलों में अभी ब्याज मुक्त ऋण नहीं था। 3 लाख तक के लोन को हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी के फसलों के लिए आज के कैबिनेट ने ब्याज मुक्त किया है। ये तीनों निर्णय आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के माइलस्टोन होंगे। इसके अलावा भी सोलर पावर पे, हाइड्रल पावर पे, किसानों के कनेक्शन पे, आवास पे, नियुक्तियों पे, 14,000 शिक्षकों की, 12,000 शिक्षकों की नियुक्तियों पे, ये ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज के कैबिनेट में हम लोगों ने लिया है। निर्णय आपके विभाग से भी जुड़ा हुआ है कि नया रायपुर में एक कृषि विभाग का एक समग्र कार्यालय बनाया जाएगा, इसको लेकर क्या योजना है? से छत्तीसगढ़ को बने लगभग अब ये 22 साल खत्म होने जा रहा है। पिछली सरकार के प्राथमिकता में ना तो मेरा किसान था, ना छत्तीसगढ़ का कृषि का विकास था। पहली बार छत्तीसगढ़ में, नए राजधानी में, हम एक कंपोजिट एग्रीकल्चर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, हमें 3 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया गया है। बहुत जल्दी, मैं ऐसा समझता हूं कि अक्टूबर से ही हम उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे थे, जिन्होंने बताया कि आज के कैबिनेट की जो बैठक में फैसले लिए गए हैं, वो माइलस्टोन साबित होंगे। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज़ रायपुर। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया है। इस बैठक में कई मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। हमारे साथ इस बैठक की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, हमें बताइए कि इस बैठक में क्या अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं? जी देखिए, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज भूपेश कैबिनेट की 48वीं बैठक जो है संपन्न हुई है, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जो फैसलों की अगर बात करें, तो अब तक जो है ट्राइबल विभाग का जो है एक एडवाइजरी कमेटी जो है ट्राइबल विभाग के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब OBC और जो SC के लिए भी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा, और इसके अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल होंगे। तो निश्चित रूप से इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी SC और OBC वर्ग की तरफ से, और अब चूंकि जो है एडवाइजरी कमेटी बनाने का निर्णय ले लिया गया है, तो इन जो वर्ग है SC और OBC वर्ग है, इसमें जो
जो विकास जो जिस तरीके से होना चाहिए था वो अब जो है हो सकेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 12,000 से अधिक जो है 12,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। पिछले विधानसभा जब हुआ था तो सीएम भूपेश बघेल ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है। 12,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती पूरे प्रदेश में की जाएगी और इसको लेकर जल्द ही जो है अधिसूचना जारी की जाएगी। व्यापम के माध्यम से ये भर्तियां जब होगी तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार का जो है अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आज की इस बैठक में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान में भी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया था, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इससे जो प्रदेश के जो पारंपरिक खेल हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है मिलेगा और इसमें जो है ये जो आयोजन होगा उसमें 14 तरह के खेल शामिल होंगे और इसमें जो है उम्र की सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि कोई भी जो वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं वो इन जो है जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा उसमें भाग ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि जो जिला सहकारी जो बैंक है उसमें जो है लोन जो दिया जाता था उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया और 3 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा उसमें किसी तरह का ब्याज नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय लिया गया है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। किसान जो है अपने खेती किसानी के लिए जो लोन ले सकेंगे तो 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय लिए गए हैं वो काफ़ी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से जब हमने बात की तो उन्होंने भी जो आज के जो फैसले लिए हैं उसको कहीं ना कहीं क्रांतिकारी फैसले बताया, साथ ही जो फैसले हैं उसको माइलस्टोन कहा है। तो आज की जो बैठक है, इसके अलावा आज की बैठक में जो अन्य फैसले लिए गए हैं उसमें जो ये भी फैसला है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो शेड्यूल है वो जल्द ही जो है खेल मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी, अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों, खिलाड़ियों और किसानों के लिए जितने फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं उससे राज्य को कितना फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए।